कृष्ण, आज हम बनाएंगे वेजिटेबल पुलाव। चलो रेसिपी शुरू करते हैं। चलो फ्रेंड, हम पुलाव के लिए एक पैन ले लेंगे। उसके अंदर ऑयल गरम करने के लिए रख देंगे और थोड़ा सा बटर डाल देंगे। हमारा बटर और ऑयल गरम हो जाए, इसके बाद अब हम उसमें अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट बनाकर रखी थी वो ऐड कर देंगे। और उसके ऊपर हमने वेजिटेबल काट के रखा था, कैप्सिकम, गाजर, आलू, केबिज और शिमला मिर्च और मकई के दाने निकाल कर रखे थे, वो सब हमने ऐड कर दिए हैं। और ऊपर से थोड़ा स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक डालने से हमारी सब्जी जल्दी पक जाती है, उसका पानी छूटता है, इसके लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसको खुले में थोड़ी देर पकने देंगे और फिर से हम थोड़ा मिक्स करेंगे। और अब हम देख सकते हो कि हमारी सब्जी थोड़ी थोड़ी पक गई है। तो हम फिर से थोड़ा मिक्स कर लेंगे और ऊपर से हम बिरयानी मसाला डाल देंगे। पुलाव का मसाला आता है वो मैंने डाला है उसमें। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद अब हम उसमें चावल मैंने अच्छी तरह से बनाकर तैयार कर लिया था वो ऐड कर देंगे। इसमें हम बासमती चावल ही यूज़ करेंगे तो ही अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हो हमारा चावल एकदम छुट्टे छुट्टे और खिले खिले है। तो ऐसा ही होना चाहिए, ज़्यादा पक नहीं जाना चाहिए, उसका ध्यान रखना है आपको। अब हम उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो उसके ऊपर हम थोड़ा काजू भी ऐड कर देंगे तो खाने में अच्छा लगता है और सेम टू सेम बाजार जैसा भी लगता है। इसके लिए मैंने मिक्स करके तैयार कर लिया है तो ऊपर से अब हम हरा धनिया स्प्रिंकल कर लेंगे। और अब हमारा वेजिटेबल पुलाव बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो आप देख सकते हो हमारा पुलाव कितना मस्त टेम्पटिंग लग रहा है, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। हेलो फ्रेंड, हमारा वेजिटेबल पुलाव बनकर तैयार हो गया है। तो इस रेसिपी पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना भूले नहीं। बाय बाय।